गाड़ी हमारी लगी है खाली होने के लिए, लेकिन अभी काम बंद है। आधा माल खाली हो गया है, ये माल आधा। दोपहर का खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खा के आते हैं, बाहर में खाना मिलेगा। तो आ गए होटल में और हमारा खाना लग चुका है। तो दोस्तों हमारा कांटा हो गया, कांटा स्लिप ले लिए और 23 टन 200 माल हुआ है, मतलब वहां भी 23 टन 200 था। मैंने लगा अभी तिरपाल उरपाल मोड़ना है, बत्ता वत्ता लगाना है, लगा लेते हैं। और रिसीव भी ले लिए हैं और लोडिंग के लिए ट्रांसपोर्ट में कलकत्ता फोन किए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक नए ब्लॉग में। तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं पहुंच गया हूं बनगांव बैचून पार्किंग। ये देख लीजिए पार्किंग का व्यू। और यहां पे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां सब गठान लेके आई है, और ये भी अन्ना की गाड़ी है, मतलब AP नंबर। तो ये सब गाड़ियों में गठान है और मैं भी पहुँच गया हूँ, मेरे भी गाड़ी में गठान है। तो चलिए अभी चालान वगैरह जमा कर दिया है पार्टी के ऑफिस में, और बढ़िया मैसेज आया कि गाड़ी आपकी खाली होगी, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी एक इस पार्टी का माल लोड करके खड़ी है हाफ, तो ये माल उस गाड़ी में लोड होगा, तो गाड़ी खाली हो जाएगी। चलिए बढ़िया बात है, अब चल के चाय पी लेता हूँ और फिर रेडी रहते हैं, क्योंकि रास्ता तिरपाल खोलना पड़ेगा। और चलते हैं गेट के पास से चाय पी कर आते हैं। ये देख लीजिए, ये सब गाड़ी गठान की गाड़ी है, वहाँ भी MMC की गाड़ी है गठान की, वो सब अपने रूट की गाड़ी है। मतलब गठान जो है ज़्यादातर इसी इलाका से आता है, तेलंगाना महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के थोड़ा इलाका खरगोन खंडवा। तो दोस्तों अभी मैं आ गया पार्किंग से बाहर, और ये रहा पीछे पार्किंग, और ये रहा रोड। रोड में देख लीजिए कितना पुराना पुराना पेड़ है, देख लीजिए बाप रे बाप, बहुत ज़बरदस्त पेड़ है, देख रहे हैं। के बारे में एक बार हम पूछे थे तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि मालूम नहीं, हमारे बाबा दादा मतलब दो पीढ़ी ऊपर के लोग बोलते थे कि पता नहीं कब का पेड़ है ये, मतलब 500 साल से ऊपर का पेड़ है ऐसा अंदाजन मैं बोल रहा हूँ। और ये है जसर रोड, देख लीजिए इस साइड, ये रोड जसर मतलब यहाँ पेटरा पोल बॉर्डर पर गया है, जो पेटरा पोल है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश का या इंडिया का, मतलब इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। और ये जसर रोड इसलिए इसका नाम है कि ये कलकत्ता से चल के जसर जाता है, और जसर जो है बांग्लादेश में है, ढाका होते हुए जसर जाता है। और बहुत पुराना रोड है और बहुत पुराना पेड़ है इस रोड में। तो चलिए आगे और चल के यहाँ पास में चाय दुकान है, थोड़ा चाय पीते हैं। ये रहा यहाँ पे चाय दुकान, और पेड़ देख लीजिए कितने हैवी पेड़ है। ये देख लीजिए, ये बांग्लादेश जाने वाली बस है ग्रीन लाइन की, ये बस सीधा ढाका तक जाती है। और मैं टोस्ट खा रहा हूँ, थोड़ा टोस्ट खा लेंगे और चाय पी लेंगे, फिर थोड़ा चलता हूँ मार्केट, वहाँ पे थोड़ा कैश ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ गाड़ी खाली होगी तो सब कैश लगता है यहाँ पे। चाय पी लिया हूँ और मैं जा रहा हूँ कालूपुर मार्केट, वहाँ से थोड़ा कैश निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ रिसीविंग का पैसा जो है कैश में ही देना पड़ता है। और वो सामने रहा कालूपुर मार्केट। एक चीज़ और दोस्तों, हम लोग इंडिया में तो बहुत जगह घूमते हैं, महाराष्ट्र गुजरात, लेकिन इस टाइप का पेड़ जो है कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ यहीं पे मिलता है। बाप रे बाप कितना मोटा है देखिए, और बहुत पुराना पेड़ है, इसका जड़ देखिए कितना मोटा है, ये वाला भी देखिए। पैसा तो कैश निकाल लिया, ATM चालू नहीं था, लेकिन ऑनलाइन कैफे से ले लिए। और यहाँ पे थोड़ा नाश्ता दुकान में आ गए हैं, नाश्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं गाड़ी के पास। पार्टी का फ़ोन भी आया था कि जल्दी से गाड़ी को कांटा करके तिरपाल खोलो, मैं बोला जस्ट पहुँच रहा हूँ, तो नाश्ता कर लेते हैं। हमारा नाश्ता लग चुका है और ये पीटा पराठा है, और इस इलाके में ये पराठा मिलता है, इसको पीटा पराठा कहते हैं, और बढ़िया लगता है खाने में, टेस्टी होता है, बढ़िया बना है आलू के सब्जी के साथ। नाश्ता करके फिर चलते हैं हम भी गाड़ी के पास। तो गाड़ी के पास चले आए हैं, नाश्ता कर ही लिए हैं, और गाड़ी को कांटा पे ले चलना है। तो देखिए पीछे में गाड़ी लग गई है, वो गाड़ी शायद खाली कर रहे हैं, दूसरे गाड़ी से माल पलटैया हो रहा है। अब देखिए गफलत हो गया, यहाँ पे माल क्रॉसिंग हो रहा है दो गाड़ी में। तो चलिए रुक जाते हैं, अब क्या कह रहे हो, तो गाड़ी लगा दिए, अभी हटाएंगे भी नहीं, ठीक है आधा घंटा में हो जाएगा तो लेके चलेंगे कांटा पे। दोस्तों पीछे की गाड़ी हट गई, चलिए अब चल के कांटा करवाते हैं।
तो दोस्तों गाड़ी कांटा करा के अभी लगा दिए, अब चलते हैं, तिरपाल वगैरह खोलते हैं, बेल्ट पहले खोल लेते हैं। गाड़ी खाली होगी, अच्छी है। और गाड़ी यहाँ खोज रहे थे क्योंकि हमारे साथ वाली जो गाड़ी नवीन भाई की लोड हुई थी वो लाट का माल था, वो उतार के गाड़ी में हाफ लोड करके वो गाड़ी खड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, गाड़ी खाली कर लेते हैं। दोस्तों दिन के 1 बज चुके हैं और गाड़ी हमारी लगी है खाली होने के लिए, लेकिन अभी काम बंद है। आधा माल खाली हो गया है, ये माल आधा उतार लिया गया है और आधा माल जो है इस गाड़ी में लगेगा। मैंने बचा हुआ माल पूरा इस गाड़ी में उतर जाएगा और इस साइड भी सब गाड़ी खाली हो रही है। मतलब ये अभी ये गाड़ी खाली हो रही है, ये खाली हो जाने के बाद हमारी होगी। दोपहर का खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खा के आते हैं, बाहर में खाना मिलेगा। आ गए होटल में और हमारा खाना लग चुका है और देख लीजिए खाने में है, ये है दाल, पापड़, राइस, नींबू और सब्जी, प्याज, नींबू को निचोड़ते हैं। बढ़िया लग रहा, थोड़ा दाल डालेंगे। तो दोस्तों अभी गाड़ी हमारी खाली हो गई, माल सब उतर गया है, अब चलते हैं आपस। ये तिरपाल पर मोड़ना है लेकिन बाद में मोड़ेंगे, अभी चल के कांटा करा के रिसीव ले लेते हैं। ये देखिए बाजू में एक गाड़ी खाली हो रही है, वहाँ भी एक गाड़ी खाली हो रही है, तो चलते हैं पहले कांटा करा लेते हैं। लगा लेंगे तो दोस्तों हमारा कांटा हो गया, कांटा स्लिप ले लिए और 23 टन 200 माल हुआ है, मतलब वहाँ भी 23 टन 200 था। तो अब चलते हैं, गाड़ी को पार्किंग में उधर साइड करके लगा देते हैं, फिर रिसीव ले लेते हैं, उसके बाद डाला पटरा सब लगा लेंगे और फिर शाम को 5 बजेगा तो फिर लोडिंग के लिए बात करेंगे, देखते हैं कहाँ से क्या मिलता है। दोस्तों शाम के 6 बजने वाले हैं और अंधेरा होने लगा, अभी तिरपाल पर मोड़ना है, बत्ता वत्ता लगाना है, लगा लेते हैं और रिसीव भी ले लिए हैं और लोडिंग के लिए ट्रांसपोर्ट में कलकत्ता फ़ोन किए हैं, तो अभी तक कुछ आया नहीं है, लेकिन अब टाइम हो रहा है तो देखते हैं क्या मिलता है, वो सब आपको बताएंगे कहाँ का लोडिंग मिला, क्या लिए। और अभी चलते हैं, तिरपाल को मोड़ देते हैं, बत्ता लगा देते हैं, बाकी बेल्ट मार देंगे 2-3, क्योंकि बॉडी फैला हुआ है, वो सब अपने जगह पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स रात के अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 7 बजने वाले हैं और अभी तक डीओ नहीं हुआ है, लग रहा है कि थोड़ा बाज़ार आज मंदा है, तो चलिए देखते हैं, आशा करते हैं हो जाए तो ठीक ही है, नहीं तो खाली गाड़ी अब हमें जाना पड़ेगा खड़गपुर। और कोई माल हो जाता है तो पक्का हो जाता है तो अच्छा लगता है जाने में कि चलो भाई कल जाएंगे और गाड़ी लोडिंग में लगा देंगे, लेकिन अभी तक कोई डीओ नहीं हुआ, बाज़ार थोड़ा मंदा है। तो अब चलता हूँ थोड़ा बाहर और खाना खा के आते हैं, सामने होटल जो है 8:30 बजे तक वो खुला रहता है, 8:30 बजे तक खुला रहता है, जल्दी बंद कर देता है। और यहाँ से गाड़ी हम लोगों का निकलेगी 10:30 बजे, क्योंकि कलकत्ता में 9 एंट्री रहता है, 9 एंट्री ही खुलता है 10:30 से 11 बजे। तो चलते हैं खाना खा के आते हैं। तो दोस्तों रात के 11 बजने वाले हैं और हम लोग खाना वाना खा के सो गए थे, तो अब चलते हैं, डीओ तो नहीं हुआ, खड़गपुर तक जाएंगे, अब वहीं कल नहीं तो अब कल डीओ देखेंगे, परसों के लिए गाड़ी डीओ वहीं से होना है लोड के लिए खड़गपुर रेशमी से। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे और हमें जाते जाते 5-6 घंटा लगेगा, माने सुबह हो जाएंगे, 11 बज रहे हैं अभी। ये एक गाड़ी है, इनको आवाज दे देता हूँ, रिंकू भाई, रिंकू भाई, नहीं जग रहा है, निकलता हूँ मैं, चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं।
मेरा है पार्किंग स्लिप, अब चल के पार्किंग कटा लेता हूँ। हो गया पाजी? हाँ कटा लेता हूँ। चलिए निकलते हैं दोस्तों। तो रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं अभी दत्तोपुखुर में हूँ, 12:07 से 10 किलोमीटर पीछे। 12:07 से मैं यानी कलकत्ता स्टार्ट है और यहाँ पे है टी स्टॉल श्यामोली होटल, बहुत बड़ा होटल है। यहाँ पे जितना ये बांग्लादेश वाली बस होती है वो यहाँ पे रुकती है। तो चलिए चाय पी लेता हूँ। ये 20 रुपये का भाड़ है, यहाँ इसी भाड़ में चाय मिलता है। चाय पीकर और यहाँ से अब निकलते हैं, क्योंकि हमें सफ़र का 1 घंटा काट लिया हूँ, अभी भी 4 घंटा हमें कंटिन्यू चलानी पड़ेगी गाड़ी। तो अब यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।